अब रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। हिसार से बड़ी खबर आ रही है, फुटबॉल कोच विनोद पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं। नाबालिग खिलाड़ी ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। एक फुटबॉल कोच पर छेड़खानी के आरोप लगे, खिलाड़ियों पर बुरी नजर रखता है कोच, पीड़ित ने यह बयान दिया है। भारतीय टीम में खिलाने के नाम पर ब्लैकमेल करता है कोच, खिलाड़ियों के कागज अपने पास रखकर ब्लैकमेल करता है ये कोच, ऐसा पीड़ित का बयान भी आया है। हिसार महिला थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। एक फुटबॉल कोच पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं, पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फुटबॉल कोच विनोद पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं। नाबालिग खिलाड़ी ने फुटबॉल कोच पर आरोप लगाया है। पीड़िता ने कहा है कि खिलाड़ियों पर ये कोच बुरी नजर रखता है, भारतीय टीम में खिलाने के नाम पर ब्लैकमेल करता है और खिलाड़ियों के कागज डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखकर भी ब्लैकमेल करता है। हिसार महिला थाने में ये शिकायत दर्ज कर दी गई है, पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। तमाम खिलाड़ी नाबालिग और मुख्य तौर पर ये पीड़िता जो अपनी शिकायत लेकर सामने आई, कोच के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया है, ये भी नाबालिग है और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है महिला थाने में। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, फुटबॉल कोच पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और इस पीड़िता को लेकर क्या जानकारी आपके पास जो इतने गंभीर आरोप लगा रही है फुटबॉल कोच पर? हेलो जी जी, ये मामला हिसार जिले का है और यहाँ पर जो एक कोच है उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं कि जिस प्रकार जो खिलाड़ी हैं, लड़कियां हैं, उनके ऊपर वो बुरी नजर रखता है और खेलने के बहाने उन्हें मतलब अनेक प्रकार की यातनाएं देता है। इस प्रकार के गंभीर आरोप उस पर लगाया गया, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो कोच के पक्ष में उतरे हैं, लेकिन फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है, पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप तमाम जानकारी के लिए। एक नाबालिग खिलाड़ी ने कोच पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए कहा है कि तमाम खिलाड़ियों पर ये कोच गंदी नजर रखता है और भारतीय टीम में शामिल करने के नाम पर ब्लैकमेल करता है।